नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में करहल सीट एक विशेष स्थान रखती है। करहल सीट से ही मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और अब 2024 में करहल सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल के विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब करहल सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तमाम यहां पर दावे पेश करते हुए नज़र आ रही है, दूसरी तरफ यहां कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए जबरदस्त तरीके से यहां पर तैयारियां की जाएं और आने वाले वक्त में करहल का मैदान एक बार फिर से मार लिया जाए। आपको बता दें कि इस बीच अपर्णा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से वर्ष 2022 में किनारा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, उनके फिर से सपा में शामिल होने की अटकलें काफ़ी तेज़ हो गई हैं। उन्हें महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और इस बात से लेकर यहां अपर्णा यादव काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा। लिहाजा अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि वे जल्द ही समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं। इसके साथ साथ अपर्णा यादव 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान करहल सीट से दांव भी खेलती हुई नजर आ सकती हैं। करहल सीट जिस तरीके की सीट मानी जाती है, इस सीट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपना यादव को बीजेपी में शामिल करवाया था, लेकिन उसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतने का काम किया। लिहाजा इस अप्रत्याशित जीत के बाद अखिलेश यादव के हौसले सातवें आसमान पर हैं और आने वाले वक्त में विपक्षियों के यहाँ पर ज़बरदस्त पटखनी देने की योजना पर वो काम करते नज़र आ रहे हैं। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव क्या अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।